लद्दाख बॉर्डर के नजदीक फिर से भारत को घेरने की तैयारी में चीन। सैटेलाइट इमेजेस में हुआ बड़ा खुलासा। पेंगोंग लेक के नजदीक चीन ने बना लिया पूरा अड्डा। चीन की चालबाजी पड़ सकती है भारत के लिए खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, चालबाज चीन इस समय अपनी चालाकी से भारत को घेरने की तैयारी में लगा है। जहां चीन पूरी दुनिया में अभी भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर शांति बता रहा है, वहीं दूसरी ओर लद्दाख बॉर्डर के नजदीक भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूएस आधारित अंतरिक्ष फर्म मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी नवीनतम उपग्रह चित्र चीनी सेना को पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से परे रणनीतिक संरचनाओं को विकसित करते दिखाया गया है। सैटेलाइट इमेज को साझा करते हुए विदेश नीति के रिपोर्टर जेक डेट्स ने ट्वीट किया, अक्टूबर से सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि चीन ने पेंगोंग त्सो में एक स्थिति का निर्माण जारी रखा। महीनों बाद भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए सहमत हो गया। भारतीय मीडिया के अनुसार चीनी और भारतीय टैंक 2021 की शुरुआत में क्षेत्र के पास एक दूसरे की फायरिंग दूरी के भीतर तैनात थे। चीनी निर्माण अक्साई चीन क्षेत्र में फिंगर 8 और शिरी जाप के क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के मई 2020 में भड़कने से पहले ही फिंगर 8 से आगे का क्षेत्र चीनी नियंत्रण में था। इस साल की शुरुआत में चीन ने विघटन प्रक्रिया के दौरान फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में प्लेस पॉइंट को खाली करा दिया था। पेंगोंग झील क्षेत्र में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच 10वीं कमांडर स्तर की वार्ता के बाद फिंगर 8 के क्षेत्र में अपने सैनिकों को वापस खींच लिया। चीनी सेना द्वारा संघर्ष के क्षेत्र में पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर एक जेटी और एक हेलीपैड सहित निर्माण किए गए ढांचे को पीछे हटने से पहले ध्वस्त कर दिया गया था। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की नवीनतम उपग्रह छवि पेंगोंग त्सो पर चीनी नौकाओं और जहाजों द्वारा उपयोग किए जा रहे एक स्पष्ट घाट को दिखाती है। संभावित हेलीपैड के साथ छवि में कई आश्रयों या भंडारण सुविधाओं को देखा जा सकता है। गूगल धरती से प्राप्त बिल्डअप साइट की पहले की उपग्रह छवि निर्माणाधीन संरचनाओं को दिखाती है। दोस्तों, मैक्सार टेक्नोलॉजी द्वारा शेयर की गई ट्विटर पर यह तस्वीरें दिखाती है कि पेंगोंग लेक के फिंगर 8 के पीछे चीन ने हवाई पेड नाविक बोट को तैनात करके पूरी पट्टी और विभिन्न तरह के तंबू का निर्माण कर दिया है। दोस्तों, चीन की पेंगोंग लेक पर इस हरकत के बाद भारत भी तैनाती में आ गया है, लेकिन भारत ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बेशक चीन शांति का प्रस्ताव रखे, लेकिन ड्रैगन की पुरानी आदत रही है, वह पीठ पीछे छुरा घोंपता है। दोस्तों, इसी की तैयारी में इस साल के शुरुआत में ही भारत ने पेंगोंग लेक में भारत के सबसे घातक कमांडो की तैनाती कर दी थी, जो कि जल, जमीन और हवा तीनों स्थिति में दुश्मन को धूल चटाने में माहिर है। दोस्तों, भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी तनातनी के बीच और चीन की चालबाजी को पहले ही भांपते हुए पेंगोंग इलाके में मरीन कमांडो को तैनात किया है। यहां भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पेरा स्पेशल फोर्स पहले से ही तैनात है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मार्कोस कमांडो की तैनाती का फैसला तीनों सेनाओं के कमांडो के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने के मकसद से किया गया था। सरकारी सूत्रों ने बताया, पेंगोंग के उन इलाकों में मार्कोस कमांडो की तैनाती की गई है जहां भारतीय और चीनी सेना का पिछले साल अप्रैल मई से सीमा विवाद को लेकर संघर्ष की स्थिति में था। यहां आर्मी और वायुसेना की स्पेशल फोर्स 6 महीने से अधिक समय से तैनात है। सूत्रों ने बताया कि नौसेना के कमांडो को जल्द ही नई नावें मिलनी जा रही है, जिससे झील पर नजर रखी जा सकेगी। दोस्तों, चीन की इसी चालबाजी को देखते हुए एलएसी पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय सेना को पेंगोंग त्सो झील में गश्त के लिए नई बोट इसी साल सितंबर के महीने में दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये पेट्रोलिंग बोट सेना और ITBP द्वारा इस्तेमाल की जा रही बोट्स और स्टीमर्स से काफी बड़ी है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में एलएसी पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारत ने पेंगोंग त्सो लेक में पेट्रोलिंग के लिए 30 नई बोट्स का ऑर्डर दिया था। इन नई बोट्स को भारत के ही 2 बड़े शिपयार्ड में तैयार किया गया था। 12 बोट्स का ऑर्डर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया था और 17 बोट का ऑर्डर एक प्राइवेट शिपयार्ड को दिया गया था। गोवा शिपयार्ड में तैयार हो रही है फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स मशीन गन और सर्विलांस गियर से लेस है, जिन्हें
पेट्रोलिंग और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाना है, जबकि प्राइवेट सीपीआर जो 35 फीट लंबी बोट्स बना रहा है उनका इस्तेमाल सैनिकों की फास्ट मूवमेंट यानी कि आवाजाही के लिए किया जाना है। इन बोट्स में करीब 1.5 दर्जन सैनिक सवार हो सकते हैं और सितंबर में इन बोट्स के साथ पेंगोंग लेक में मरीन कमांडो की भी तैनाती की जा चुकी है। दोस्तों पहले जो पेंगोंग तसो झील में पेट्रोलिंग के लिए जो बोट्स भारतीय सेना और ITBP इस्तेमाल करती थी वो बेहद छोटी बोट्स यानी कि स्टीमर थी। कई बार ऐसा देखने में सामने आया है कि झील में पेट्रोलिंग के दौरान चीन की जो बड़ी बोट्स है वे भारत की बोट्स को टक्कर मार देती थी। कुछ साल पहले ऐसी ही एक टक्कर में भारतीय बोट पलट गई थी। वही दोस्तों पिछले साल मई के महीने में पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LSC पर शुरू हुए टकराव के बाद पेंगोंग तसो झील में भी तनातनी टकराव बढ़ावा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी LSC इसी पेंगोंग तसो झील के बीच से होकर गुजरती है। इसी खतरे को देखते हुए भी पिछले साल भारतीय सेना की एक एक्सपर्ट टीम ने पेंगोंग तसो झील का दौरा किया था। नौसेना की टीम ने पेंगोंग झील में पेट्रोलिंग और पेट्रोलिंग बोट्स को लेकर भी अपनी राय दी थी, क्योंकि नौसेना की फास्ट पेट्रोलिंग बोट समंदर में समुद्री लुटेरों और अवांछित तत्वों के खिलाफ गश्त करती है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के पास फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स का एक बड़ा बेड़ा है। बता दें 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी पेंगोंग तसो झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है, जिसका एक तिहाई भाग यानी कि करीब 40 किलोमीटर हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र में है और बाकी 2/3 यानी कि करीब 95 किलोमीटर चीन के कब्जे में है। सर्दियों के मौसम में यहाँ तापमान -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है और झील पूरी तरह से जम जाती है। पेंगोंग तसो झील के उत्तर में ही विवादित फिंगर एरिया है और दक्षिण में कैलाश हिल रेंज है। हालांकि पहले चरण के डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों की सेनाएं दोनों ही विवादित इलाकों से पीछे हट गई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इसकी वजह यह है कि चीन ने पूरी लद्दाख से सटे बाकी विवादित इलाकों से पीछे हटने के लिए साफ इनकार कर दिया है। लेकिन दोस्तों अब पेंगोंग लेक में तैनात भारतीय जवानों की ताकत अब बढ़ गई है, क्योंकि एक तो वहां पर मरीन कमांडो की तैनाती पहले से ही है जो कि जलीय क्षेत्र में दुश्मन को धूल चटाने में माहिर है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा जो 30 नए आधुनिक बोट बनाए गए हैं जिनकी तैनाती पेंगोंग लेक में हुई है, वह और मरीन कमांडो की तैनाती ने पेंगोंग लेक में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। और इस बोट की खास क्षमता यह है कि यह पुरानी बोट की तरह नहीं है जो केवल पेट्रोलिंग काम आती है। इन बोट्स में आधुनिक उपकरण लगे हैं तथा इनमें 20 से 25 जवान आ सकते हैं। यहां पहले की बोट में केवल 2 से 3 ही सैनिक आ पाते थे। इसके अलावा इन बोट्स में आधुनिक मशीन गन लगी हुई है जो दुश्मन की हर एक हरकत पर उसके नाम के परखच्चे उड़ा सकती है। दोस्तों आधुनिक उपकरण और मशीन गन से लैस भारत की ये बोट पेंगोंग लेक में चीन के सैनिकों की नाव की धज्जियां उड़ा सकती है, और इसका प्रमाण भी हमारे सामने है, क्योंकि जब से सितंबर माह से भारत ने पेंगोंग लेक में इन नई बोट्स की तैनाती की है तब से चीन ने पेंगोंग लेक में पंगा लेना छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानता है कि अब यदि भारत की बोट से पेंगोंग लेक में आमना सामना हुआ तो सीधा भारत की बोट गोली चलाएगी। तो दोस्तों पेंगोंग लेक में भारत की चीन को धूल चटाने वाली तैयारी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं।